MTN न्यूज, मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको रूबरू कराएंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कि MTN न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपके साथ उस्मा मोइन। इंद्रगढ़ के मरपुरा से ग्रामीण के सहयोग हो रही श्रीमान भागवत कथा, बड़ी दर्जन भक्त कथा सुनने के लिए कली देवी मंदिर के पास आते और माता रानी के दर्शन का भागवत कथा का भी आनंद लेते। वही पंडित श्री कृष्ण जी और रासलीला मंडली गिरिराज वन वही रात्रि में रासलीला का आनंद देखने को मिलता है। आसपास के सैकड़ों भक्त पहुँच पर दिन में तथा रात्रि में रासलीला का रास पान कर मन को शांति देते हैं। मगर भगवान विष्णु जी के यहाँ आए, क्यों आए? विदुर है गरीब, भागवत कथा के विषय नहीं बता रहे हैं। भागवत कथा, भागवत वह है जो भाग्यम उदयम करोती थी। भागवत, भागवत हमारे भाग्य का उदय कर देती है। भागवत वह है जो हमको भवसागर से पार कर देती है। भागवत वह है जो हमको भगवान से मिला देती है। भागवत वह है जो एक बार मनुष्य सुन लेता है, फिर वह भगवान का होकर के भवसागर से पार हो जाता है। बोले जैसे की बैठक ग्राम पूरा रहा है, परगना तहसील तरुआ जनपद कन्नौज में आहूत की गई है। इस बैठक की अध्यक्षता श्री राजनारायण गुप्ता, जो वर्तमान में प्रधान जी हैं, इनके अध्यक्षता में मत प्रारंभ की गई। ये बैठक में सरकार की जो कल्याणकारी योजना है उनके बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इसके बाद हमारी ग्राम सभा में जो अवैध कब्जे हैं उनकी सूची बनाएगी, उनके प्रति जो कार्रवाई शासन को अवगत कराई जाएगी। इसके बाद हमारी ग्राम सभा में जिसके पास आवास नहीं है उनको आवास के लिए विचार विमर्श किया जाएगा। अगर कृषि योग्य जमीन पाई गई बैठक के और ये मतदाता अभियान चल रहा है, इसके संबंध में हमारे BLO भी आए हैं और उनकी भी मतलब ग्राम जो पब्लिक इकट्ठी हुई है उनको भी जानकारी दी जाएगी, जिसके वोट कटने हैं पढ़ने हैं एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में ये बैठक की गई। वीरेंद्र बहादुर दिवाकर लेखपाल पूरा रहा।